गोरखपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं उन्हें तत्काल हटवा दें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा, आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू होगी। उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की सभी को जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि नामांकन के पूर्व एक नया खाता खोल लें। नामांकन कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में प्रत्येक कार्य दिवस में 11 बजे से 3 बजे तक होगा। नामांकन कक्ष के 100 मीटर तक 3 वाहन से उम्मीदवार आ सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वाहन की अनुमति लेनी होगी। वाहन पर झंडा, बैनर, पोस्टर, तख्ती में से कोई एक प्रदर्शित कर सकेंगे। अनुमति पत्र वाहन के स्क्रीन पर चस्पा करना होगा। उन्होंने कहा कि 10 वाहन से अधिक एक कारवां में नहीं चल सकेंगे। बाहर से आने वाली प्रचार सामग्री के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। सामग्री लेकर आने वाले वाहन प्रचारी कार में नहीं लगेंगे। पार्टी के स्टार प्रचारक के आने की एवं सभी प्रकार के जनसभा, जुलूस, रैली की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन संबंधी प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर तत्काल निस्तारण करें। विलंब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यालय में कंट्रोल रूम खोल दिया गया है जो 24 घंटे कार्य करेगा। इसका फोन नंबर है 2200420। जिला निर्वाचन कार्यालय का नंबर है 2333416 है। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा है कि किसी प्रकार की दिक्कत होने पर उन्हें या चारों एडीएम या संबंधित एसडीएम से फ़ोन पर बता सकते हैं। उन्होंने ईवीएम प्रभारी के साथ साथ सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि बिना उनकी अनुमति तथा राजनीतिक दलों को सूचित किए ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। जो भी प्रचार सामग्री प्रकाशित की जाए उस पर मुद्रक प्रकाशक का नाम अवश्य छापा जाए। वाहन में असलहा व अवांछित सामग्री लेकर ना चलें। यदि ऐसा पाया गया तो मुकदमा भी दर्ज होगा और असलहा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, एडीएम प्रभुनाथ, रजनीश चंद्र, विधान जायसवाल, बलराम सिंह, सभी एसडीएम, नोडल अधिकारी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रोग्राम दे दीजिए। हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के पदाधिकारीगण हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो उप निर्वाचन 64 गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का होना है, उसकी घोषणा कल भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है। और उसके क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी हमारे द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी उसमें 13 तारीख से नॉमिनेशंस शुरू होंगे। तो आपको बताया होगा हमारे उप जिला निर्वाचन अधिकारी जी ने, उसमें होंगे नॉमिनेशंस का समय। आप सभी पूर्णता विज्ञ हैं, तमाम चुनाव आपको करा चुके हैं। 11 बजे से 3 बजे के बीच में रहता है और जो नॉमिनेशंस की अंतिम तिथि है वो 20 तारीख है। दौर का दिन भी होता है और उस दिन हम लोग करते हैं। तो ये जो प्रथम चरण है जिसमें कैंडिडेट्स हमारे फाइनल होते हैं वो ये चलेगा। 23 तारीख को हमारे कैंडिडेट्स के फाइनल होने के बाद जो हमारी आंतरिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये पूरा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होना है और इसके साथ वीवीपैट्स का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हमारी आंतरिक प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें हम लोग आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, आपका अपना चुनाव का प्रचार आरंभ होगा। क्योंकि 11 मार्च को चुनाव है, इसका अर्थ ये हुआ कि 9 मार्च आए 5 बजे की जो समय हो जाएगा और हम लोग 11 तारीख को मतदान के लिए
व्यवस्था करेंगे मतदान होगा। इसके बाद 14 तारीख को काउंटिंग होगी और काउंटिंग का के रिजल्ट के बाद ये चुनाव की अधिघोषणा समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम ब्रॉडली है, इसके साथ क्योंकि तमाम जिसमें दो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और एक बिहार में, तो पूरे देश में ये तीन चुनाव हैं और इसमें चुनाव की सारी प्रक्रियाएं हम लोग पूर्णतः नियमानुसार और पारदर्शिता से और सुव्यवस्थित रूप से हम और हमारी टीम कराएंगे और भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप कहते हैं कि फ्री फेयर एंड पीसफुल।